दोस्तों टिकटॉक के बारे में बात करें तो टिकटॉक एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत बड़ा कंपनी है। इसका डाउनलोड के बारे में बात करें तो इसका डाउनलोड पूरा वर्ल्ड वाइड में 1 बिलियन प्लस है, और सिर्फ हमारे इंडिया की बात करें तो सिर्फ हमारे इंडिया में इसका डाउनलोड है 119 मिलियन प्लस, जो कि सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड वाइड में। जैसा कि आपको लगता होगा ये तो बहुत बड़ा कंपनी है और इसका डाउनलोड जो बहुत ही ज़्यादा है, ये बहुत ही सिक्योर होगा। दोस्तों नहीं, टिकटॉक हैक हो चुका है, और जो जो हैक हुआ है वो टिकटॉक का बहुत सारे वेरीफाइड अकाउंट हैक हुआ है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है गौरव और फोन्स बेनाम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों टिकटॉक हैक हो चुका है दो iOS डेवलपर के द्वारा, जिनका नाम है मिस्क। इन्होंने हैक किया है WHO, अमेरिकन रेड क्रॉस, ब्रिटिश रेड क्रॉस जैसे वेरीफाइड अकाउंट को उन्होंने हैक करके COVID-19 के रिगार्डिंग बहुत सारे फेक वीडियोज उनमें अपलोड कर दिया है। WHO, अमेरिकन रेड क्रॉस और ब्रिटिश रेड क्रॉस के अकाउंट अपलोड करने के बाद उन्होंने एक्सप्लेन करके ये बताया है कि टिकटॉक जो सर्वर यूज करता है वो कंटेंट को यूजर के पास ट्रांसफर करने के लिए वो है HTTP, ना ही HTTPS। HTTPS जो है वो सिक्योर है, और HTTP जो है वो अनसिक्योर है, जो कि टिकटॉक यूज़ करते हैं अपने कंटेंट को डिलीवर करने के लिए यूजर के ऐप पास। जिन्होंने हैक किया है वो एक्सप्लेन करके ये भी बताया है कि जो HTTP सर्वर है वो बहुत ही सिंपल ट्रिक्स से हैक किया जा सकता है, उन्होंने ये भी बताया है। उन्होंने हैक किया है इसलिए कि वो टिकटॉक का दिखाना चाहते हैं कि जो इनका सर्वर है वो बहुत ही ख़राब है और इसको बहुत ही आसानी से हैक किया जा सकता है। उन्होंने हैक करने का वजह ये बताया है। तो दोस्तों आप अगर भी टिकटॉक यूज़ करते हो तो अपने अकाउंट को सावधानी से रखें, आप भी आपका भी अकाउंट कभी भी हैक हो सकता है। तो दोस्तों ये था टिकटॉक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।